नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थावास। खबर प्रयागराज घूरपुर से। घटना घूरपुर थाना अंतर्गत जसरा की है, जहां पर नरेंद्र सिंह निवासी परवेजाबाद थाना 12 ने इलाहाबाद बैंक से 20,000 रुपए निकालकर घर जा रहे थे। जैसे ही बैंक से नीचे उतरे, उसे एक युवक मिला जिसने कहा, मेरा पैसा जमा नहीं हो रहा, पैसे मुझे जमा करना है। तभी एक युवक और आ गया और बोला कि मैं जमा करा दूंगा, 2,000 रुपए लूंगा। फिर बात यह हुई कि उसने कहा कि तुम 20,000 हमें दे दो, मैं तुम्हें 2,00,000 देता हूं। इतना कहकर कपड़े में लपेटे हुए उसे पैसे दिखाए और बताया कि यह पैसे मैं एक कंपनी से चुरा कर लाया हूं। जिसके बाद नरेंद्र को बैंक से कुछ दूर बुलाकर ले आए और उसे कपड़े में लपेटे हुए गड्डी को दिखाया तो ऊपर 500 के नोट लगे थे। एक टप्पेबाज ने बोला, ठीक है चलो, कुछ दूर आकर पैसे नरेंद्र सिंह को दे दिए। पैसे लेकर नरेंद्र ने जेब में रख लिए और रुपए 2,00,000 की लालच में 20,000 उसे दे दिए। उसके बाद टप्पेबाजों ने उसे गुटखा खिलाया और बोले कि मैं अभी रुपए जमा करा कर आ रहा हूँ, आप यहीं रहना। जिसके बाद ही दोनों टप्पेबाज पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए। युवक ने जब कपड़े में लपेटे पैसों को देखा तो उसमें ऊपर 500 के नोट बकाया रद्दी पेपर लगाकर गड्डी बनाई गई थी। यह देख उसके होश उड़ गए और वह उन दोनों को खोजने लगा। ना मिलने पर वह घूरपुर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर घूरपुर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर खोजबीन की जा रही है। पलट के दिखाओ, पूरा खोल। सामने से दिखाओ, सामने से। और थोड़ा फैलाओ, और फैलाओ। अंदर यहाँ नहीं हुआ, आगे ले गया, यही मिला था, यहीं पे यही मिला ठगा। क्या पहने था, किस तरह थे वो लोग, किस तरह थे, कैसे थे वो लोग? यानी एक गोरा गोरा था, एक सांवला सांवला था। क्या बोले आपसे, क्या बोले उसको बताओ ना, किस तरह से घटना हुई। हाँ स्कूल को बताओ, वो लोग पता नहीं कहाँ चले गए होंगे, वहाँ पैसा नहीं मिलेगा। अरे तुम बताओगे तो उसी बात पुलिस जांच कर रही है ना, जैसा होगा वो बताओगे, उनके हिसाब से फुटेज जांच की जा रही है, उसके बाद जानकारी होगी कि कहाँ के हैं, कैसे हैं, किस तरह से बोले आपको, क्या कहे कि कैसे करो तुम। अरे यही हम ऐसे उतर रहे थे, इसी जगह की बात है, एक यही है, यही इसी जगह मिला है आप, वो हमसे बोला कि हमारे हमारे खाते में पैसा जमा करना है, हमारे खाता नंबर नहीं आ गया, तो हम बोले कि जमा नहीं होगा, तो वो दूसरा वाला है, बोला अरे रुको रुको कितना जमा करना है, वो बोला है 2,00,000, बोले कहाँ से लाए, बोला बनारस से चुरा के लाए, तो कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ चुराए। उसके बाद फिर वो बोला चलो हम जमा करवा देंगे, हम गया कहाँ जमा करवा, बोला तुम चुप रह चुका हूँ बताए, कहें चलो हम जमा करवा देंगे, हमारे पास जुगाड़ है लेकिन हमें कुछ देना होगा। वो बोला कि चलो ठीक है 2,000 रुपये ले लेंगे, बोला नहीं हम 2,000 नहीं लेंगे हम, तो वो बोला चल हम 20-20 लेंगे, तो जो है हमसे बोला भाई तुम चुप रहो तुम साथ चलो बस, हम उसके साथ गए तो हमसे बोला तुमको भी दे देंगे हम जो उसमें से 10-15,000 रुपये, हम कहेंगे हम इससे लेंगे, वहाँ तक गया हमारे साथ, हमसे बोला जो इसे कुछ दे देते हैं बाकी सारा पैसा हम लोग ले चलेंगे वहाँ, इसका वो करवाएंगे, हमारे पास जुगाड़ है जमा करवा देंगे बेचारे का। वो रो रहा था, उसके जो बगल वाला था वो मुँह बना के रो रहा था, इसीलिए हमें उस पर दया आ गई, हम उसके साथ चले गए। उसके बाद हमारे पास पैसा था, हमसे ले लिया, बोला ये पैसा तुम चलो ले चलते रहो वहाँ बैंक के पास, चलो हम आ रहे हैं इससे बात करके, तो हम आ रहे थे तब तक हमें शंका हुआ लगता है ये लोग हो गए, हम लौट के वापस गए उसके पास तो वो लोग गायब थे। उसके बाद दौड़ के हम गए चारों तरफ ढूंढने नहीं मिले, लास्ट में फिर हम पूछना स्टार्ट करें। क्या नाम है आपका? ज्ञानेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? परवेजाबाद। तो जब आपको गड्डी दिए हैं तो आपने चेक नहीं किया क्या उस समय? वही उसके हाँ हमें पैसे दादा बात वो दोनों कर रहे थे ना, पैसा लेन देन की। कौन थे वो लोग? वो लोग दोनों थे कि आपके साथ में कोई था? हमारे साथ में कोई नहीं था, हम अकेले थे, वो हमें एक मिला फिर बाद में वो आया दूसरा वाला, वही जो दूसरा वाला था पीला पीला पहना वही।